दोस्तों अब आप जो है योनो लाइट SBI से भी योनो कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपका योनो SBI काम नहीं कर रहा है या फिर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप योनो लाइट SBI को लॉगिन कर लें, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा योनो कैश विड्रॉल। तो योनो कैश विड्रॉल क्या होता है कि आप बिना ATM कार्ड का ATM से पैसे निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे जो है अमाउंट डालना पड़ता है, इसके बाद पिन बनाना पड़ता है और फिर एक रेफरेंस नंबर आता है। ये तीन जो है आपको जाके ATM पे डाल देना है। ATM पे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा योनो कैश का ऑप्शन मिल जाएगा, बस उस पर आपको क्लिक करना है और ये तीनों डाल देना है, आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो क्या प्रोसेस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे योनो लाइट SBI को लॉगिन करने के बाद देखिए ऊपर योनो कैश विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है विड्रॉल मैक्सिमम ऑफ 20,000 इन ए डे फ्रॉम SBI ATM। तो ये जो है आप 20,000 तक का अमाउंट निकाल सकते हैं एक दिन में। योनो कैश ट्रांजेक्शन नंबर विल हैव अ वैलिडिटी फॉर 4 आवर्स, और ये जो है 4 घंटा तक ही वैलिड रहता है अभी जो आप करेंगे। तो अगर 4 घंटा के अंदर आप पैसे नहीं निकालते हैं ATM से तो ऑटोमेटिक ये जो है इनवैलिड हो जाता है और आपका अमाउंट नहीं कटेगा। ऐसे आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए रिक्वेस्ट योनो कैश पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले आपसे जो है अमाउंट पूछा जाएगा, अमाउंट टू विड्रॉ कितना आप निकालना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जो है 500 डाल देता हूँ। तो ये डालने के बाद आपको जो है नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है 6 डिजिट का पिन बनता है, तो यहाँ पर आप पिन बना लें और फिर पिन बनाने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक बार कन्फर्म के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लें। तो यहाँ इसके बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे थैंक यू हो गया है हमारा, योर रिक्वेस्ट इज़ वैलिड फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स। इसके बाद एक जो है ट्रांजेक्शन नंबर आता है, देखिए ऊपर हमारा मैसेज आ गया है। तो ये जो है तीन चीज़ आपको डालना है ATM पे जाके। पहला अमाउंट डालना है जैसे यहाँ पे आपने डाला है, इसके बाद पिन डालना है और फिर रेफरेंस नंबर। तो ये जो है आपको डालना है, आपका अमाउंट निकल जाएगा। अब चलिए मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ। और अगर आप जो है पहले चाहते हैं कि नहीं मैं कैंसिल कर दूं, ऐसे तो 4 आवर के बाद 4 घंटा के बाद कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो देखिए नीचे योनो कैश ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही अगर आप पहले से कैंसिल करके रखे हैं तो देखिए नीचे मेरा एक कैंसिल्ड बता रहा है, मैंने अभी किया था। ऊपर देखिए एक्टिव है जो अभी हमने किया है 25 सितंबर, और टाइम भी है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते देखिए नीचे कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आया है, इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पे यस कर देना है। तो इस तरीके से ये देखिए कैंसिल हमारा हो चुका है, योनो कैश रिक्वेस्ट हैज़ बिन कैंसिल्ड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बिना ATM कार्ड का अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है, आप कहीं गए हैं, तो योनो लाइट SBI का यूज़ कर सकते हैं। और योनो SBI में भी ये ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका योनो SBI काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे योनो लाइट SBI में आके कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है QR कैश विड्रॉल, इससे भी आप निकाल सकते हैं। QR कैश विड्रॉल पे क्लिक करते ही जो है ATM पे स्कैन करना शुरू कर देगा। इससे आप 4,000 या फिर 6,000 या फिर 2,000, ये तीन ऑप्शन रहेगा, इतना ही आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब सीखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।